गाइस जब भी आप लोग मेरे किसी वीडियो को एंड तक देखते हो तो आप लोगों ने नोटिस किया रहेगा कि एंड में आप लोगों को कुछ ऐसी स्क्रीन दिखाई देती है जहाँ पे आप लोगों को मेरी और भी दो वीडियो रिकमेंड होती है, जहाँ पे क्लिक करके आप लोग मेरी उन वीडियोस को भी देख सकते हो। तो एक्चुअली ये जो मैंने ऐड किया इसको एंड स्क्रीन कहते हैं, यूट्यूब का एंड स्क्रीन होता है ये। तो एंड स्क्रीन आप लोग अपनी वीडियो पे कैसे ऐड कर सकते हो वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों की अपलोड की वीडियो के भी एंड में आप लोगों की वीडियो ऐसे ही रिकमेंड हो कि आपके व्यूवर्स उन पे क्लिक करके वो वीडियो भी देख पाए, तो वो आप कैसे कर सकते हो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो में मैं आप लोगों को ये काम मोबाइल पे करके बताऊंगा ताकि जो भी हमारे ज्यादातर मोबाइल यूजर्स है वो लोग भी अपने वीडियो के एंड में ऐड कर पाए। अगर आप लोगों के पास पीसी है, कंप्यूटर है, तो आप लोग इसको कंप्यूटर पे भी इसी मेथड से कर सकते हो। सिमिलरली कंप्यूटर पे इजी जाता है करना, मोबाइल पे थोड़ा सा हार्ड जाता है, बट हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को मोबाइल पे करके बताऊंगा। तो यार ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप लोग चैनल पे नए हो, आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दो। और आप लोगों को एक चीज बताऊं, अगर ये वीडियो पे आप लोग जल्दी से 1000 लाइक्स कंप्लीट करवा दोगे तो मैं अपने यूट्यूब की अर्निंग पे भी आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूंगा। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं अपने यूट्यूब की अर्निंग के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं और आप लोगों को दिखाऊं अपनी अर्निंग, तो फटाक से यार ये वीडियो पे 1000 लाइक्स कंप्लीट करवा दो। तो चलो इसी के साथ में हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आप लोगों को बताता हूं कि एंड स्क्रीन आप लोगों को आपकी वीडियो में कैसे ऐड करना है। तो गाइस एंड स्क्रीन ऐड करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल में खोल लेना है गूगल क्रोम ब्राउजर। गूगल क्रोम ब्राउजर जैसे आप लोग खोल लोगे, यहां पे आपको जाना है youtube.com वेबसाइट पे। youtube.com वेबसाइट पे जाने के बाद आपको ये मोबाइल साइट खोलेगा m.youtube.com। तो यहां पे आपको 3 डॉट्स पे ऊपर क्लिक करना है और यहां पे डेस्कटॉप साइट को ओपन कर लेना है, मतलब वहां पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपकी डेस्कटॉप साइट ओपन हो जाएगी। तो यहां पे ऐसे साइट ओपन होने के बाद आप हाँ एक बात ध्यान रखो कि आपको YouTube यहाँ पे लॉगिन करना है अपना, ठीक है। तो YouTube से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद ऊपर यहाँ पे आपको अपने चैनल के आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन दिखाई दे रहा है YouTube स्टूडियो का, वहां पे क्लिक करना है। YouTube स्टूडियो पे क्लिक करने के बाद आप लोग पहुंच जाओगे अपने YouTube स्टूडियो वाली वेबसाइट पे। तो ऐसे वेबसाइट आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे मैं अपनी अर्निंग को ब्लर कर दूंगा, और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं अपने अर्निंग पे वीडियो बनाऊं तो 1000 लाइक्स जल्दी से कंप्लीट करवा दो इस वीडियो में, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद आप लोग थोड़ा सा जूम करोगे लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है आपको, यहाँ पे आना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सारी आपकी अपलोड की हुई वीडियोस यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। तो अभी मैं अपनी लास्ट वाली अपलोड की हुई वीडियो पे एंड स्क्रीन ऐड करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर वीडियो है इस पे मैं खाली यहाँ पे थंबनेल पे एक बार क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे जैसे ही थंबनेल पे क्लिक कर दूंगा उसके, तो ऐसी स्क्रीन यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे ऐसी स्क्रीन आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे राइट हैंड साइड में आप देखोगे तो नीचे देखो विजिबिलिटी पब्लिक के नीचे एंड स्क्रीन का ऑप्शन है। एंड स्क्रीन के ऑप्शन पे यहाँ पे आपको करना है क्लिक। यहाँ पे आप जैसे ही एंड स्क्रीन पे क्लिक कर दोगे आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी, वीडियो का एंड पार्ट आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स बने बनाए हैं तो इनको भी आप यूज कर सकते हो। अगर आप लोगों को ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी है तो आप इनको भी क्लिक करके डायरेक्ट डिफॉल्ट टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हो, बट मैं आपको मैन्युअली ऐड करके बता देता हूँ कैसे आप लोगों को ऐड करना है। तो समझ लो आप लोगों को वीडियो के एंड में ऐड करना है किसी भी एक वीडियो को अपने चैनल पे जो आपने पहले अपलोड की हुई है, उसी को ऐड करना है आपकी वीडियो के एंड में। तो यहाँ पे क्या करना है, ऊपर देखो एलिमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एलिमेंट करके दिखाई दे रहा है, एलिमेंट पे क्लिक करना है यहाँ पे। और फिर आपको क्या ऐड करना है, वीडियो ऐड करना है, प्लेलिस्ट ऐड करना है आपके चैनल की, या सब्सक्राइब का एक बटन ऐड करना है। तो आपको क्या एंड में ऐड करना है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। मेरे को अभी समझ लो यहाँ पे वीडियो ऐड करना है, मेरे को नहीं मुझे बोलना चाहिए मुझे, ठीक है, मुझे यहाँ पे वीडियो ऐड करना है। तो वीडियो पे क्लिक करूंगा मैं, वीडियो एलिमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पे देखो एक एलिमेंट आ चुका है, इसको आप जहां पे भी सेट करना चाहे वहां पे रख सकते हो। मैं समझ लो इसको ये कॉर्नर में रख देता हूँ, और यहाँ पे मोस्ट रिसेंट अपलोड पे टिक है, बेस्ट फॉर व्यूअर पे भी आप टिक कर सकते हो। तो ऑटोमेटिकली जो भी उस व्यूअर के लिए बेस्ट रहेगी वो वीडियो एंड में दिखाई देगी। बेस्ट फॉर व्यूअर पे भी लगा सकते हो, या स्पेसिफिक कोई वीडियो आपको सिलेक्ट करना है तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे चूज स्पेसिफिक वीडियो पे क्लिक करो, आपके चैनल की सारी वीडियो सामने लोड हो जाएगी। यहाँ से आप कोई भी वीडियो जो भी आप एंड में दिखाना चाहते हो उसको सिलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे समझ लो मैं ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ एंड में, तो मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगा। तो ये वीडियो जब भी एंड तक कोई देखेगा तो उसको ये वीडियो अपने आप यहाँ पे रिकमेंड होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐड कर लिया, और आपको एलिमेंट ऐड करना है तो और भी आप कर सकते हो। यहाँ पे फिर से एलिमेंट पे क्लिक करो, और फिर से यहाँ पे आप समझ लो एक और वीडियो ऐड करना है मुझे, वीडियो पे क्लिक कर लूंगा, और यहाँ पे मोस्ट रिसेंट अपलोड पे टिक है तो समझ लो मोस्ट रिसेंट अपलोड, या फिर बेस्ट फॉर व्यूअर पे मैं टिक कर दूंगा तो वहाँ पे बेस्ट फॉर व्यूअर दिखाई देगा, ठीक है। मतलब जो भी वीडियो बेस्ट रहेगी वो व्यूअर के लिए वो दिखाई देगी। तो यहाँ पे आपने समझ लो जो भी जितना भी आपको एलिमेंट ऐड करना था वो ऐड कर लिया। इसको पोजीशन आप लोग सेट कर सकते हो, कहाँ दिखाना है वहाँ पे आपने सेट कर लिया। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे नीचे देखो ये दो एलिमेंट आ चुके हैं, तो यहाँ पे आपको लास्ट में कितने सेकंड के लिए दिखाना है
एंड में कितने सेकंड के लिए एलिमेंट्स आपकी वीडियो पे दिखना चाहिए वो यहाँ पे आपको सेट करना होता है। तो मैं यहाँ पे लास्ट 4-5 सेकंड के लिए रखता हूँ, तो इसको आपको टिक करना, ऐसा टच करना है और यहाँ पे करके छोटा कर देना एकदम से, इसको एंड तक ला देना है जितना एंड तक ला सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे टच करके एंड तक, पूरा एंड तक आ गया क्या? नहीं अभी और है, यहाँ पे ऐसा पकड़ के लास्ट तक ला देना है। इस सेम इसको भी वैसे ही करना है, टच करके पूरा एंड तक कर देना है, ठीक है। तो लास्ट 3 सेकंड या 4 सेकंड या लास्ट 5 सेकंड तक ही, 5 सेकंड में ही वो दिखेगा वो एलिमेंट, ठीक है, लास्ट का वीडियो का एंड पार्ट में। ओके, एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, इस चीज को ऐड करने के लिए अगर आप लोग एंड स्क्रीन ऐड करना चाहते हो अपनी वीडियो में, तो आपकी वीडियो मिनिमम 25 सेकंड की रहनी चाहिए। अगर आपकी वीडियो 25 सेकंड से छोटी वीडियो आपने अपने यूट्यूब चैनल पर डाली है, तो आप एंड स्क्रीन उस पर ऐड नहीं कर सकते हो, ये बात ध्यान रखो, ठीक है। ये बात कोई बताया ही नहीं है मेरे अपने वीडियो में, क्योंकि मैंने काफी वीडियोज देखी है एंड स्क्रीन की, कि लोगों ने कैसे समझाया है, बट उसमें लोगों ने ये नहीं बताया कि 25 सेकंड से ज्यादा की वीडियो रहनी चाहिए आपकी, तभी आप एंड स्क्रीन ऐड कर सकते हो, ठीक है यार, ये कॉमन सी बात है, कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसे ऐड करना, उसके बाद आपको सेव पे ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप सेव पे क्लिक कर दोगे, एंड स्क्रीन ऐड हो चुकी है आपकी वीडियो पे, और अब आपकी वीडियो जब भी कोई एंड तक देखेगा, तो आपकी वीडियो के एंड में वो जो भी आपने वीडियो को ऐड किया है वो वीडियोस वहां पे दिखाई देगी। तो गाइस यार, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को कैसे अपने YouTube वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन को ऐड करना है, और कैसे आप लोग अपनी वीडियोस को दिखा सकते हो अपने वीडियो के एंड में। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई अच्छे से और पसंद आई, तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर दो। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। ये वीडियो खत्म करते हैं हम लोग यहाँ पे, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।